हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आज हम लोग इस वीडियो में हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ देखेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ एल्केन से देखा था। इस वाले वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन के निर्माण की विधियाँ देखेंगे, लेकिन एल्कीन से। और आज के वीडियो में हम लोग तीन टॉपिक कवर करेंगे। हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से, और इसी के दौरान हम लोग मार्कोनिकॉफ नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ, जिसे पराक्साइड प्रभाव, पराक्साइड इफेक्ट और खरास प्रभाव भी कहते हैं। अब हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से देखेंगे। देखो, पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि हेलो एल्केन का निर्माण पांच तरीकों से किया जा सकता है, एल्केन से और एल्कीन से और एल्कोहल से, और हंसडिकर विधि होगी और हैलोजन विनिमय विधि या हैलोजन एक्सचेंज विधि होगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो एल्केन का निर्माण एल्केन से किया था। आज के वीडियो में हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से किस प्रकार से होगा। अब हम लोग हेलो एल्केन का निर्माण एल्कीन से करेंगे। एल्कीन बेसिकली असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है। हैलोजन अम्लों से योग अभिक्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे पास ये एथीन है। एथीन ये कोई हैलोजन अम्ल ले लिया गया और इससे योग अभिक्रिया करके एक कार्बन पर H ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर ये हैलोजन तत्व जुड़ जाएगा। तो ये अभिक्रिया इस प्रकार क्या हो जाएगी, CH3CH2 और ये X हो जाएगा और ये आपका एक तरीके से क्या बन गया, हेलो एल्केन। आपका क्या निर्माण हो गया, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। अलग से समझने की कोशिश करते हैं, CH2 इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहा होगा, H एंड H ड्यूअल बॉन्ड CH एंड H, और ये HX रहा होगा। अब यहाँ पर इनका जो ड्यूअल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का ड्यूअल बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, और ब्रेक होने के पश्चात इसमें क्या हुआ होगा कि एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर हैलोजन तत्व ऐड हो जाएगा। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस वाले का स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये X, और X यहाँ पर X के तौर पर आप क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड HCl अम्ल से अभिक्रिया करेगा। तो क्या होगा, एक कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन पर क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या बन गया, क्लोरो इथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा, और जर्नल नाम की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथिल क्लोराइड। तो बेसिकली हम इतना समझ पा रहे हैं, एल्कीन से हैलोजन अम्ल योग अभिक्रिया करके हेलो एल्केन का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर एथीन था और एथीन से अभिक्रिया HCl ने किया, तो एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन जुड़ गया और दूसरे कार्बन परमाणु पर क्लोरीन जुड़ गया। इससे क्या हो गया कि ये कंपाउंड एथीन और हाइड्रोजन क्लोराइड अभिक्रिया करके क्लोरोइथेन या एथिल क्लोराइड का निर्माण करते हैं। अब हम अगली अभिक्रिया को देखेंगे। जैसे हमारे पास कोई Thank you.
और यहाँ पर HBr हमने ले लिया तो क्या होगा, एक कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन परमाणु पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा CH3CH2 और सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पर Br ऐड हो जाएगा और ये आपका CH3 हो जाएगा। अगर ये देखा जाए ये कौन सा कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन या इसके जनरल नेम की बात की जाए, कॉमन नेम की बात की जाए, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब हम इसी प्रकार अगली रिएक्शन देखेंगे, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसकी अभिक्रिया अगर HCl से करा दी जाए तब क्या होगा, देखो इसमें जो है इस अभिक्रिया में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करना चाहें तो दो तरीके से हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, या तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा और CH2Cl हो जाएगा, और या तो इस वाले कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए CH3CH और फिर यहाँ पर Cl आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ही कंपाउंड के दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, कंपाउंड अलग अलग हैं, यहाँ पर एक तरीके का विवाद सा हो जाएगा कि कौन सा यौगिक बनेगा और कौन सा यौगिक नहीं बनेगा। हालांकि इससे पहले जो हमने दोनों अभिक्रियाएँ की थी उसमें ऐसा कोई इशू नहीं था, क्योंकि कोई समस्या इसलिए नहीं थी क्योंकि वो दोनों यौगिक कैसे थे, असंतृप्त थे और सेमेट्रिकल थे, मतलब सममित थे, उनको बीच से डिवाइड किया जा सकता था आसानी से। तो देखिए हाइड्रोजन चाहे इस वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता चाहे इस वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ता, यौगिक पे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे ही आप एथीन में देख लीजिए, हाइड्रोजन चाहे इस कार्बन परमाणु से जुड़ता या इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ता, आपका जो उत्पाद होता उस पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों ही यौगिक कैसे हैं, सममित हैं, कैसे हैं, सममित हैं या सिमेट्रिकल। तो यहां पर आप अगर हाइड्रोजन को अलग अलग कार्बन परमाणुओं पर जोड़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा अलग अलग यौगिक मिलेगा। यहां पर हमको प्राइमरी हेलोएल्केन मिलेगा और इस जगह हमको सेकेंडरी हेलोएल्केन मिलेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु अगर अलग अलग कार्बनों से जोड़ा जाए, अगर हाइड्रोजन परमाणु इस वाले कार्बन से जोड़ा जा रहा है तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, अगर कार्बन हाइड्रोजन परमाणु इस वाले कार्बन परमाणु से जोड़ा जा रहा है तो ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, एक प्राइमरी कंपाउंड बन रहा है दूसरा सेकेंडरी कंपाउंड बन रहा है। तो इसका निस्तारण करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया गया जिसे बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जब कोई हमारे पास असंतृप्त एल्कीन होती है तो हैलोजन अम्ल का एच परमाणु, हैलोजन अम्ल का एच परमाणु उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी, जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। जैसे हमारे पास और ये कोई अम्ल है, ये कोई हैलोजन अम्ल है हमारे पास और ये हमारे पास असममित अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और जहां R क्या है, ये कोई एल्किल ग्रुप होगा, R क्या होगा, कोई एल्किल ग्रुप होगा। अब देखिए ये कैसा असममित है, इसको बीच से आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तब मार्कोनिकॉफ ने बताया जब कोई असममित एल्कीन हो तब हैलोजन अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु, हैलोजन अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। जैसे ये दोनों कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है,
और इस वाले कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, तो इन दोनों में तुलना की जाए हाइड्रोजन की संख्या इस वाले कार्बन के पास ज्यादा है, अर्थात ये हाइड्रोजन जो होगा इस कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा। तो यही आगे यौगिक इस प्रकार हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगा। तो हम इतना समझ पाए मार्कोनी काफ नियम के अनुसार हैलोजन अम्ल का हाइड्रोजन परमाणु उस असंतृप्त एल्कीन कार्बन परमाणु के पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। अब इसी का एक एग्जाम्पल लेते हुए हम अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमारे पास कोई अभिक्रिया है CH3CH ड्यूअल बॉन्ड CH2+HCl, तो अब इस अभिक्रिया को अगर देखें तो हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा, क्योंकि इन दोनों कार्बन परमाणुओं में इस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजनों की संख्या अधिक है मार्कोनी काफ नियम के अनुसार। मार्कोनी काफ रूल के अनुसार अगर चलें तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु यहां पर जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन परमाणु इस वाले कार्बन परमाणु के पास जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा CH3CH Cl और CH3। ये हमारे पास सेकेंडरी हैलोल्किन प्राप्त हो जाएगा और इसका क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2-क्लोरोप्रोपेन। उम्मीद है आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम। इस अभिक्रिया को करने के लिए मार्कोनी काफ नियम लगाया जाएगा। मार्कोनी काफ अगर रूल लगाएं तब क्या होगा, मार्कोनी काफ रूल के अनुसार इन दोनों कार्बन परमाणुओं को देखा जाए तो इस वाले कार्बन परमाणु के पास दो हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन, इसका मतलब इस कार्बन परमाणु के पास हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है, अर्थात ये हाइड्रोजन इस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा और ये ब्रोमीन इस कार्बन परमाणु पे जुड़ेगा। तो हमारा उत्पाद कुछ इस प्रकार बनेगा CH3CH Br CH2 और CH3। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2-ब्रोमो ब्यूटेन। 2-ब्रोमो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। इस अभिक्रिया को मार्कोनी काफ का नियम लगाने पर इस अभिक्रिया में मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार इसका उत्पाद मार्कोनी काफ नियम के अनुसार से हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु पर और क्लोरीन परमाणु इस कार्बन परमाणु पर जाना चाहिए, तो इसका उत्पाद कुछ इस प्रकार। कुछ इस प्रकार होना चाहिए। ये अभिक्रिया मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार यदि की जाए तो इसका उत्पाद कुछ इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम मार्कोनी काफ का नियम लगा दें तो ये अभिक्रिया का उत्पाद ये नहीं होगा, और अगर होगा भी तो ये माइनर होगा, क्योंकि इसका एक्चुअल उत्पाद जो होगा या स्टेबल या मेजर सबसे ज़्यादा कुछ इस तरीके से होगा।
इस प्रकार होगा। अब यहाँ पर मार्कोनी का नियम लगाने पर उत्पाद जो है ये ना होकर, क्योंकि मार्कोनी काफ का नियम अगर यदि लगाया जाए तो उत्पाद हमारा ये होगा, जो ये ना होगा, अगर ये होगा भी तो बहुत माइनर बनेगा और ये मेजर बनेगा, ये उत्पाद जो होगा मेजर होगा। अब ऐसा क्यों होता है, इस बात का जवाब हम जब मार्कोनी काफ क्रियाविधि करेंगे तब उससे मिलेगा। आइए देखते हैं मार्कोनी काफ नियम की क्रियाविधि। ये हमारे पास था, तो मार्कोनी काफ नियम के अनुसार उत्पाद हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा था योग क्रिया करके। लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों है, इसकी क्रियाविधि से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मैकेनिज्म क्रियाविधि, मार्कोनी काफ नियम की हम लोग क्रियाविधि देखते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन स्नेही का निर्माण। देखो कुछ इस प्रकार होगा, हैलोजन अम्ल है और ये इस आयनों में हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा। एक तरीके से यहाँ पर हेट्रोलिटिक फिजन हुआ होगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारा क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का अगर हम समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल मीन्स क्या होता है, लवर, अर्थात वह तत्व या वे आयन, अर्थात वे आयन जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हो, अर्थात इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हो या इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हो। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और माइनस चार्ज वही लाइक करेगा जो ऑलरेडी प्लस हो, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल जितने भी होते हैं अप्रॉक्सीमेटली उन पर धनायन होता है, या यूं कहा जाए जितने भी धनायन होते हैं अप्रॉक्सीमेटली वो सभी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर H प्लस हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा अब हमारे पास पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा ये हमारे एल्कीन पर। तो इसका कुछ ये इस प्रकार होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो ही अटैक करेगा इसके बीच बॉन्ड टूटेगा तो ये क्या हो जाएगा, RCH। जब बॉन्ड टूटा होगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ शिफ्ट हुए होंगे और इस कार्बन परमाणु पर प्लस चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन परमाणु पर माइनस चार्ज आ जाएगा और ये इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर देगा तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में कुछ इस प्रकार होगा। ये अब ये हमारा क्या बन गया, अटैक करने के बाद ये क्या बन गया हमारा, कार्बोकटायन। आपको ये बात याद रखना है कि मार्कोनी काफ का माध्यमिक यौगिक जो होता है वो कार्बोधनायन या कार्बोकटायन बनता है। इसके बारे में अभी आपको बता रहे हैं थोड़ा, कार्बोधनायन। अब इस कार्बोधनायन पर कार्बोधनायन
कार्बोधनायन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और इस पर ये ऐड हो जाएगा, ये CH3। ये इसकी क्रियाविधि थी। क्रियाविधि में सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ होगा, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हुआ होगा, जो हैलोजन अम्ल था वो H प्लस और X माइनस में टूट गया। X के तौर पर यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। तब यहाँ पर H प्लस हो गया और X टूट गया। फिर इसके बाद ये H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हाइड्रोकार्बन पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कार्बोकटायन का निर्माण हो जाएगा। और ये आप फिर उसके बाद जो कार्बोकटायन होगा उस पर जो है हैलोजन आयन जो होगा वो अटैक करके हेलो एल्केन का निर्माण करता है। अब कार्बोकटायन की खास बात आपको बता दें, कार्बोकटायन इसके स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के स्टेबिलिटी की बात की जाए जो 3 डिग्री होता है, 3 डिग्री कार्बोकटायन वो 2 डिग्री से स्टेबल होता है। कंपेयर 3 डिग्री कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम, और प्राइमरी जो होता है या फर्स्ट डिग्री जो होता है वो सबसे कम स्थायी होता है। कार्बोधनायन की एक खास प्रॉपर्टीज़ ये भी होती है कि वो अपने आप को स्थायी करने के लिए H प्लस और CH3 प्लस को स्थानांतरित कर सकता है, जिसे शिफ्टिंग मेथड बोलते हैं। आइए इस शिफ्टिंग मेथड को यहाँ पर कुछ इस तरीके से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई कोई ये कार्बोधनायन है, ये कार्बोधनायन है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर ये कार्बोधनायन, ये कैसा कार्बोधनायन है, प्राथमिक कार्बोधनायन है, कार्बो ये कैसा कार्बोधनायन है, प्राथमिक कार्बोकटायन है। अब ये क्या करेगा, यदि ये क्या करेगा, यदि ये प्लस चार्ज यहाँ पर होता, सपोज कर लो ये प्लस चार्ज यहाँ पर होता तो ये कैसा हो जाता, 2 डिग्री हो जाता, 2 डिग्री का हो जाता। और आप जानते हैं कि कार्बोधनायन 2 डिग्री प्राइमरी कार्बोकटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस शिफ्टिंग कर लेगा, शिफ्ट कर लेगा, प्लस चार्ज वहाँ पर चला जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग करेगा, प्लस चार्ज इस पार्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा CH प्लस और ये CH3। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा, 2 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। अब ऐसे ही अगर कोई दूसरा यौगिक होता हमारे पास, जैसे अब जैसे हमारे पास ये कार्बोकटायन है, तब ये कार्बोकटायन क्या करेगा, ये कार्बोकटायन हमारे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये कार्बोकटायन हमारे पास कैसा है, प्राइमरी है। अब सपोज कर लो ये प्लस चार्ज अगर यहाँ पर होता तो कैसा हो जाता, 2 डिग्री हो जाता, और यदि ये प्लस चार्ज यहाँ पर होता तो कैसा कार्बोकटायन बनता, 3 डिग्री बनता। तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए प्लस चार्ज का स्थानांतरण कर देगा और ये फिर स्वतः इस्टेब्लिश होकर कुछ इस फॉर्मेट का हो जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट का ये हो जाएगा, क्लियर। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे, कार्बोधनायन के पास एक विशेष गुण ये होता है कि वो अपने आप का स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं H प्लस आयन CH3 प्लस आयन को स्थानांतरित करके। तो इतना हम लोग समझ गए कि कार्बोधनायन जो होता है उसकी एक विशेष गुण यह होता है कि वो अपने आप को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए H प्लस आयन और CH3 प्लस आयनों का स्थानांतरण कर सकता है। आगे देखेंगे
और हम इतना भी देख चुके हैं, जो मार्कोनी काफ की क्रियाविधि हम समझ रहे थे उसमें हमने इतना तो जरूर देखा था कि उसका मीडिएट कंपाउंड कार्बोकटायन बन रहा था। अब आइए अपने उसी सवाल की तरफ चलते हैं जहां पर इस वाले सवाल की हम लोग बात करते हैं। जब आप इसकी क्रियाविधि करोगे तब देखिए कि यहाँ पर ये जो है बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर मान के चलिए इस पर प्लस चार्ज आया होगा, फिर ये प्लस चार्ज ये प्राइमरी कार्बोकटायन होगा, अगर ये इसको स्थानित कर दे तो सेकेंडरी हो जाएगा, और अगर ये यहाँ पर आ जाए तो कैसा हो जाएगा, टर्शियरी हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाए तो टर्शियरी हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सबसे स्टेबलाइज हो जाएगा, और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि एक्चुअल में कार्बोकटायन जो बनेगा वो 3 डिग्री का बनेगा और प्लस चार्ज इस कार्बन परमाणु पे होगा, और इसीलिए जो Cl- होगा लास्ट में इसी कार्बन परमाणु पे अटैक करेगा, क्योंकि प्लस चार्ज इसी पर है, और इसीलिए जो ये कंपाउंड बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो बेसिकली हम लोग इतना समझ गए कि अगर कोई असममित हाइड्रोकार्बन एल्कीन है हमारे पास और हैलोजन अम्ल से वह अभिक्रिया करेगी तो उसमें मार्कोनी काफ नियम लगा देंगे। और मार्कोनी काफ नियम की क्रियाविधि को अगर हम देखें तो उसका माध्यमिक यौगिक कार्बोधनायन बन रहा था। तब इस अभिक्रिया को एक दो और एग्जांपल इसके लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे अब इस अभिक्रिया का अगर हम देखें तो मार्कोनी काफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन परमाणु के पास और ब्रोमीन परमाणु इस कार्बन परमाणु के पास जुड़ना चाहिए, लेकिन अगर उसकी क्रियाविधि को समझें, क्योंकि क्रियाविधि में उसका कार्बोधनायन बन रहा था और कार्बोधनायन अगर सेकेंडरी हुआ तो वो टर्शियरी हो जाएगा, और टर्शियरी यहाँ पर होगा अर्थात इसका जो प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके से बनेगा CH3CH2 और C, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्रोमीन ऐड हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा और ये CH2 और CH3, ये इसका प्रोडक्ट होगा। अब हम लोग वीडियो के अगले सेगमेंट में चलते हैं, देखते हैं एंटी मार्कोनी काफ रूल, इस नियम को एंटी मार्कोनी काफ रूल, खरास इफेक्ट या पराक्साइड इफेक्ट, तीन नामों से इसको जाना जाता है। एंटी मार्कोनी काफ रूल, प्रति मार्कोनी काफ का नियम, खरास प्रभाव खरास इफेक्ट और पराक्साइड प्रभाव पराक्साइड इफेक्ट। एंटी मार्कोनी काफ शब्दावली से हम समझ सकते हैं कि ये जो मार्कोनी काफ नियम होगा उसका जस्ट एंटी होगा, या यूँ कह लें मार्कोनी काफ के नियम का उल्टा होगा। एंटी मार्कोनी काफ नियम के अनुसार दो कंडीशनें होंगी, एंटी मार्कोनी काफ जब दो कंडीशनों को फॉलो करेगा तभी ये लागू होगा। नंबर वन, पराक्साइड एज ए कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के तौर पर कोई पराक्साइड उपस्थित हो, और दूसरी शर्त ये थी कि क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन अम्ल में सिर्फ और सिर्फ HBr होना चाहिए। ये जब दोनों शर्तें पूरी होगी तभी पराक्साइड प्रभाव लगेगा। इन दोनों में से कोई एक अब्सेंट हो जाएगा तो एल्कीन के साथ अभिक्रिया के दौरान मार्कोनी काफ नियम लगेगा, ना कि प्रति मार्कोनी काफ नियम लगेगा। प्रति मार्कोनी काफ नियम सिर्फ वहीं पर लगेगा जहां पर कैटालिस्ट के तौर पर, उत्प्रेरक के तौर पर पराक्साइड कोई उपस्थित हो और अभिकारक के तौर पर हैलोजन अम्लों में ब्रोमीन अम्ल वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। उसके अलावा बाकी किसी अन्य कंडीशन में पराक्साइड प्रभाव या एंटी मार्कोनी काफ नियम नहीं लगेगा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी काफ नियम लगेगा। अब एंटी मार्कोनी काफ नियम के अनुसार यदि कोई एल्कीन है और HBr उपस्थित है और कैटालिस्ट के तौर पर पराक्साइड,
तब क्या होगा, मार्कोनी कॉफ नियम ने यह बताया था कि हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या अधिक होगी, लेकिन प्रति मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु प्रति मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी। अर्थात प्रति मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु इस बार इस वाले कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा हाइड्रोजन परमाणु इस वाले कार्बन परमाणु पर जुड़ेगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजनों की संख्या कम है। अर्थात प्रति मार्कोनी कॉफ नियम के अनुसार एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लगा दें तो क्या हो जाएगा, RCH2CH2Br ये हो जाएगा। ध्यान रहे प्रति मार्कोनी कॉफ नियम तभी लगेगा जब HBr हो और पराक्साइड हो, HBr हो और पराक्साइड हो। इस अभिक्रिया को थोड़ा हम समझने के लिए पराक्साइड उपस्थित है यहां पर कोई तो यहां पर क्या लग जाएगा, एंटी मार्कोनी कॉफ लग जाएगा, एंटी मार्कोनी कॉफ लग जाएगा। उसके अकॉर्डिंग एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन परमाणु उस कार्बन परमाणु के पास जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या कम है। अर्थात इसका उत्पाद कुछ इस प्रकार बनेगा, तो प्रति मार्कोनी कॉफ नियम की दो शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि कैटलिस्ट के तौर पे कोई पराक्साइड उपस्थित होना चाहिए और दूसरा अभिकारक के तौर पर HBr होना चाहिए। HBr के अलावा अगर HCl है या HI है तब भी ये नियम नहीं लगेगा। जैसे इस बात को समझते हैं, यहाँ पर आपका यहाँ पर पराक्साइड, अब इस रिएक्शन में हम देखें कैटलिस्ट के तौर पर पराक्साइड तो उपस्थित है लेकिन यहाँ पर HBr ना होने की वजह से एंटी मार्कोनी कॉफ ना लग के सिर्फ और सिर्फ मार्कोनी कॉफ रूल हो जाएगा। और मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु इस बार इस वाले कार्बन परमाणु से जुड़ जाएगा। इस प्रकार हो जाएगा। तो हम इस प्रकार हम देख सकते हैं यदि हमारे पास कोई एल्कीन है यहां पर HBr और कोई पराक्साइड है, HBr कोई पराक्साइड है तब जो है एंटी मार्कोनी कॉफ रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी कॉफ रूल के अकॉर्डिंग इस बार इसका उत्पाद प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा। HBr और पराक्साइड जब दोनों उपस्थित होंगे तो एंटी मार्कोनी कॉफ नियम लग जाएगा और उसका प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। और यदि सिर्फ HBr उपस्थित है पराक्साइड उपस्थित नहीं है तब जो है मार्कोनी कॉफ नियम लगेगा, तब मार्कोनी कॉफ नियम लग जाएगा। और इस नियम के अनुसार तब उत्पाद कुछ इस तरीके से होगा, और ये हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा, टू ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन जाएगा ये हमारा, टू ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनी कॉफ अभिक्रिया की क्रियाविधि जब देख रहे थे तो उसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन एंटी मार्कोनी कॉफ की
क्रियाविधि में इंटरमीडिएट कंपाउंड या माध्यमिक यौगिक मुक्त मूलक बनेगा क्योंकि वहां पर पराक्साइड की उपस्थिति होती है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण होता है और एल्कीन से हेलो एल्केन के निर्माण के दौरान आज के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एल्कीन से हेलो एल्कीन का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और एल्कीन से जब हेलो एल्कीन का निर्माण कर रहे थे तो कौन सी समस्याएं आईं जब हमने मार्कोनी काफ नियम लगाया और कौन सी समस्या आने पर हमने प्रतिमार्कोनी काफ नियम लगाया। मार्कोनी काफ नियम बेसिकली मार्कोनी काफ नियम की कोई शर्तें नहीं होती लेकिन प्रतिमार्कोनी काफ नियम तभी लगेगा जब अभिकारक के तौर पर एल्कीन के साथ HBr तथा उत्प्रेरक के तौर पर कोई हमारा पराक्साइड उपस्थित हो तब ये जो है अभिक्रियाएँ लगेंगी। और हमने यह भी जाना कि मार्कोनी काफ की जब क्रियाविधि करते हैं तो उसका माध्यमिक यौगिक कार्बोधनायन बनता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में अगले मेथड प्रिपरेशन मेथड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।